यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी के जुगाड़ में हैं। अखिलेश यादव 5 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने की फिराक में हैं। मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की फेर में हैं और प्रियंका गांधी चमत्कार के इंतजार में हैं। सबके सब मतदाताओं का मिजाज भापने में लगे हैं। उधर लोकनीति CSDS के सर्वे को माने तो यूपी के 60% से ज्यादा मतदाताओं ने अभी मन ही नहीं बनाया है कि किसकी ताजपोशी करनी है। ये सर्वे चौंकाने वाला है। ज्यादा विस्तार के लिए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही की रिपोर्ट। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने, सहयोगी तलाशने और वोटों का जुगाड़ करने में लगे हैं। कोई रैली कर रहा है तो कोई गठबंधन, कोई वायदा कर रहा है तो कोई सोशल इंजीनियरिंग। हम प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी देंगे। इन्होंने आपको धोखा दिया। BSP के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम धाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। चुनावी सर्वे भी इस बीच आए हैं। इनमें से कोई BJP की जीत बता रहा है तो कोई एज दे रहा है, कोई अखिलेश की सरकार बनवा रहा है तो कोई त्रिशंकु विधानसभा का डर दिखा रहा है। तमाम सर्वे जाहिर है कि वोटरों से पूछकर ही तय किए गए हैं, लेकिन लोकनीति CSDS का सर्वे बताता है कि आजकल 63% वोटर चुनाव प्रचार शुरू होने या उसके पूरा होने के बाद यानी अंतिम समय में तय करते हैं कि आखिर किसे वोट देना है। तो हमारा पहले से प्री प्लान नहीं होता है। कैंडिडेट एक मैटर है कि कौन हमारे लिए खड़ा होता है। वो लोग जानते हैं कि 5 साल में सरकार ने क्या काम किया, पिछली सरकार ने क्या काम किया है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि वोटर 6 महीने पहले तय कर लेता है, लेकिन चुनाव के नतीजे या कहा जाए कि इस सर्वे के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। तमिलनाडु में इसी साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में 68% वोटरों ने अंतिम समय में तय किया। इसी तरह असम में 65% वोटरों ने अंतिम समय में तय किया। पिछले साल बिहार में हुए चुनावों में तो 77% वोटरों ने चुनाव प्रचार के दौरान या प्रचार खत्म होने के बाद फैसला किया। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में 72% और छत्तीसगढ़ में 78% मतदाताओं ने अंतिम समय में फैसला किया। तीनों जगह BJP हारी थी और कांग्रेस सत्ता में आई थी। 3 महीने पहले भाजपा की जो स्थिति थी उसमें अभी तक 50 से लेकर 60 सीटों की गिरावट हो चुकी है और समाजवादी पार्टी की स्थिति में 50 से 60 सीटों का इजाफा हो चुका है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि पिछले 20-21 सालों में अंतिम समय में वोट देने का फैसला करने वाले मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को अपने प्रचार का तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर यूपी की बात करें तो 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में 54% मतदाताओं ने अंतिम समय में फैसला किया। तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके पहले के यानी 2012 के विधानसभा चुनावों में ये आंकड़ा 70% था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। उससे पहले के दौर में जाएं तो 2007 में 63% वोटरों ने अंतिम समय में फैसला किया था जब मायावती ने सत्ता संभाली थी। कुछ लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किसको वोट देना है, किस पार्टी की तरफ जाना है। हम लोग अखिलेश यादव जी को बहुत पसंद करते हैं और हम अखिलेश यादव जी को जिताएंगे अगली बार 2022 में। कई बार हमने देखा है कि चुनाव के नतीजे बड़े अप्रत्याशित साबित होते हैं। ऐसे में हम पत्रकार लोग कह देते हैं कि अंतिम समय में चुनाव पलट गया या फिर हवा बदल गई, लेकिन क्या वास्तव में अंतिम समय में चुनाव पलट जाता है, हवा बदल जाती है, या फिर हम पत्रकार ही वोटर के दिल की था नहीं ले पाते हैं। बंगाल में सभी चुनावी सर्वे ममता और BJP के बीच कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन ममता बहुत आसानी से लगभग एक तरफे अंदाज में चुनाव जीत गई। उधर पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनावों में NDA गठबंधन की आसान जीत की बात कही जा रही थी, लेकिन कांटे की टक्कर में बमुश्किल नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा पाए। जो भाजपा के वोटर हैं वो सख्ती के साथ में और वफादारी के साथ में भाजपा के साथ हैं। जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन बीच में जो वोटर है वो ज़रूर आखिर में तय करता है कि हम किसको वोट देंगे। बहुत आखिर में भी नहीं, मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके वो मुकाम आता जा रहा है
जब वो बीच में जो वोटर जो अनिर्णय का शिकार वोटर है वो तय करेगा कि वो किसके साथ है। इस हिसाब से देखा जाए तो बंगाल में अगर एक या दो चरण में चुनाव हुआ होता तो बीजेपी वास्तव में कड़ी टक्कर देने की हालत में होती। इसी तरह अगर बिहार में भी एक एक या दो चरणों में चुनाव हुआ होता तो नीतीश की जीत कुछ आसान हो गई होती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासी दलों को चुनाव प्रचार के तरीके बदलने पड़ेंगे? क्या सब कुछ चुनाव घोषणा होने से पहले झोंक देने की जगह अंतिम चरण के चुनाव तक किश्तों में जोर लगाते रहना पड़ेगा? कहा जाता है कि अंतिम समय तक तो बड़े दल ही पैसा और शक्ति बचा कर रख पाते हैं, तो क्या मतदाताओं की बदली सोच बड़े दलों के हक में जाती है? कुल मिलाकर चुनाव सर्वे कराने वालों की परेशानी बढ़ गई है। अनिर्णित मतदाताओं के कारण दिक्कत जितनी पॉलिटिकल पार्टीज को होती है उतनी ही पत्रकारों को भी होती है, उतनी ही सर्वेयर्स को भी होती है। लेकिन सर्वे ये भी बताता है कि आमतौर पर देर से फैसला करने वालों और जल्दी फैसला करने वालों की सोच में बहुत ज्यादा बुनियादी फर्क नहीं होता है। हालांकि देर से फैसला करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है जो उलटफेर की क्षमता रखते हैं। ABP News आपको रखे आगे।